बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से शुक्रवार को 5 लोगों की जान चली गई थी। बताया जा रहा था कि इसकी संख्या बढ़ सकती है, जो कि अब बढ़कर 12 हो गई है। इस घटना में 15 से अधिक लोगों की आंख की रोशनी चली गई है और 35 लोगों का इलाज अभी भी छपरा और पटना के अस्पताल में हो रहा है। इस मामले में एक्शन लेते हुए प्रशासन ने मकेर थाने के SHO और चौकीदारों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने अवैध शराब के सेवन करने के आरोप में 94 लोगों को हिरासत में लिया है। छपरा के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में SHO और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर चौकीदार सतर्क होता तो ऐसी घटना नहीं होती। जहरीली शराब बनाने वाला आरोपी रामानंद मांझी फरार है। पुलिस ने छापेमारी में मिलावट शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रिट और अन्य सामग्री के साथ 1450 लीटर शराब जब्त की है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सभी आरोपी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनकी ढिलाई या मिलीभगत के कारण ये घटना हुई। आपको बता दें कि बिहार में पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक जहरीली शराब पीने के कारण 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।